हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साइलेंस विल और मेरा नाम है विकास। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स यहाँ पे इंडियन आर्मी की तरफ से वैकेंसी निकल के आ रहा है जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया से हर कोई अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में ग्रेजुएशन पास कर रखे हो देन आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है, क्या है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कंडीशन, इन सब चीजों के ऊपर डिटेल्स में बात करने के लिए इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। वीडियो को एंड तक देखना, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक बहुत अच्छा ऑफर के बारे में बोलना चाहूंगा जो कि अन्य अकेडमी की तरफ से निकल रहा है। यहाँ पे आपको 30% का ऑफ देखने को मिल जाएगा अगर आप अन्य अकेडमी का गेट एंड एसी का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो। ओके, तो ये जो ऑफर है ये 19 मई तक वैलिड है। इसके अंदर आपको जाकर तुरंत इसका सब्सक्रिप्शन ले लेना है। और सब्सक्रिप्शन लेते समय आपको क्या करना है, मेरा कोड यूज करना है। मेरा कोड क्या है, विकास10 BIKASH10, जिससे क्या होगा आपको इंस्टेंटली 30% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। ये एक बहुत अच्छा ऑफर अन्य अकेडमी की तरफ से चल रहा है। 19 मई इसका लास्ट डेट है। ओके, और हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे अन्य अकेडमी की तरफ से अल्ट्रा कॉम्बैट टेस्ट कंडक्ट किया जाने वाला है 22 मई सुबह 11 बजे। ये जो टेस्ट है ये एकदम फ्री टेस्ट रहने वाला है, लाइव टेस्ट रहने वाला है। और इस टेस्ट में अगर आप अच्छा रैंक स्कोर करते हो तो आपको यहाँ पे एक्साइटिंग रिवार्ड्स मिल सकते हैं, जैसे कि अमेजन वाउचर्स मिल सकता है, या फिर आपको मैकबुक एयर, आईफोन, सैमसंग स्मार्ट वॉच, JBL हेडफोन, अमेजन वाउचर्स, ये सब कुछ आपको मिल सकता है। और ये जो टेस्ट है ये एकदम फ्री टेस्ट है, जल्दी से जाकर एनरोल करके आप यहाँ पे टेस्ट लीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, इन सब चीजों का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। और जहां पे भी आपको कोड मांगा जा रहा है वहां पे आपको क्या करना है, मेरा कोड यूज करना है। मेरा कोड क्या है, BIKASH10, जिससे क्या होगा आपको इंस्टेंटली डिस्काउंट मिल सकता है या फिर यहाँ पे आपको टेस्ट देने के लिए फ्री में मिल सकता है। ओके, तो चलिए अभी हमारा वीडियो के ऊपर फोकस करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इंडियन आर्मी की तरफ से 136 TGC मतलब टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स निकाला गया है। टेक्निकल ग्रेजुएट मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे अगर आप BE/BTECH पास कर रहे हो किसी भी डिसिप्लिन में, यहाँ पे लगभग हर एक डिसिप्लिन एलिजिबल होने वाला है और यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप टेक्निकल फील्ड में ग्रेजुएशन पास कर रहे हो, इंजीनियरिंग फील्ड में ग्रेजुएशन पास कर रहे हो, तो आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर पाएंगे। और एक इंपॉर्टेंट डाउट मैं आपका क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे क्या फाइनल ईयर वाले एलिजिबल होंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपका जो रिजल्ट है उसको 2023 1 जनवरी 2023 के अंदर ले लेते हो, पा जाते हो आपका यूनिवर्सिटी से, देन आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन उससे अगर लेट होगा तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे, समझ गए। और यहाँ पे देखिए एज लिमिट आपका क्या होने वाला है, 20 साल से 27 साल के अंदर आपका एज होने वाला है। आज ऑन 1 जनवरी 2023, यानी कि 1 जनवरी 2023 के अंदर आपका एज 20 साल से लेकर 27 साल के अंदर होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में भी वही चीज बताया गया है जो अभी मैं आपको बताया। ओके, और यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे क्या इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आपका जो वैकेंसीज है उसको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करके दिया गया है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बोल देता हूँ। यहाँ पे देखिए, जो सिविल का ब्रांच है, यानी कि सिविल का ब्रांच, या फिर सिविल रिलेटेड आप अगर ग्रेजुएशन पास कर रहे हो, सिविल रिलेटेड मतलब देखिए सिविल इंजीनियरिंग से, या फिर सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग से, या फिर बिल्डिंग इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन से, या फिर सिविल एंड रूरल इंजीनियरिंग से, यानी कि सिविल रिलेटेड जितना सारा ब्रांच है, अगर इन सब ब्रांच में अगर आप ग्रेजुएशन पास कर रहे हो तो आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे। और सिविल वालों के लिए यहाँ पे 9 पोस्ट देखने को मिल जाएगा। ओके, और उसके बाद यहाँ पे देखिए आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर में यहाँ पे देखिए एक वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। मैकेनिकल के लिए यहाँ पे 6 वैकेंसी रखा गया है। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से BE/BTECH पास कर रहे हो, या फिर आपका यहाँ पे मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, या फिर एडवांस मैकेट्रॉनिक्स एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, ओके, तो इन सब ब्रांच से अगर आप BE/BTECH पास कर रहे हो तो आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे। और आप लोगों के लिए यहाँ पे 6 पोस्ट रखा गया है। और यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से अगर आप BE/BTECH पास कर रहे हो, या फिर इसके रिलेटेड जो ब्रांचेस है उनमें अगर आप BE/BTECH पास कर रहे हो तो आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पे 3 पोस्ट इलेक्ट्रिकल वालों के लिए रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, या फिर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, या फिर MSc कंप्यूटर साइंस में अगर आप BE/BTECH कर रखे हो या फिर MSc कर रखे हो तो आपको यहाँ पे 8 वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर रिलेटेड जितना सारा जो ब्रांचेस होते हैं, ओके, उनको सब यहाँ पे दिया गया है। ये थोड़ा सा खुद से देख लीजिए, PDF से देख लीजिए। ओके, और यहाँ पे देखिए इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ओके, तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपको 3 वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में आपको यहाँ पे 1 वैकेंसी देखने को मिल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में आपको 3 वैकेंसी देखने को मिल रहा है।
और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स एरोनॉटिकल एयरोस्पेस में आपको यहाँ पे एक वैकेंसी देखने को मिलेगा, और यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको एक वैकेंसी देखने को मिलेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में आपको यहाँ पे एक वैकेंसी देखने को मिल रहा है, प्रोडक्शन में आपको एक वैकेंसी देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे देखिए ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में आपको एक वैकेंसी देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे इंडस्ट्रियल या फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग इनमें आपको एक वैकेंसी देखने को मिलेगा। ओके, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे टोटल आपको 40 वैकेंसी देखने को मिल रहा है, लगभग हर एक इंजीनियरिंग ब्रांच को यहाँ पे कवर किया जा रहा है। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका एक ट्रेनिंग रहने वाला है, और यहाँ पे आपका 49 वीक्स का ट्रेनिंग पीरियड रहने वाला है, और अगर आप ट्रेनिंग अच्छे से कंप्लीट करते हो तो आपका यहाँ पे क्या आपको यहाँ पे पोस्टिंग दे दिया जाएगा, समझ गए। और ट्रेनिंग पीरियड के अंदर अगर आपका कहीं पे किसी के साथ मैरिज हो जाता है तो आप यहाँ पे और आपको यहाँ पे आगे बढ़ाया नहीं जाएगा, आपको यहाँ पे कुछ पैसा भी रिफंड करना पड़ेगा। ओके, तो कितना पैसा है वो 30,940 रुपीज ऐसा कुछ आपको यहाँ पे रिफंड करना पड़ेगा। ओके, तो ये सब चीज आपको यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका प्रमोशन क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, लेफ्टिनेंट कैप्टन मेजर, तो आपका यहाँ पे ऐसे प्रमोशन होने वाला है, वो सब आपको यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे आपका जो रैंक होगा उसी के बेसिस पर आपको यहाँ पे सैलरी मिलने वाला है, लेवल 10 से आपका यहाँ पे सैलरी शुरू होने वाला है। यहाँ पे लेवल 10 का जो सैलरी है वो कितना है पता है, 56,100 रुपीज से लेकर 1,77,000, और ये जो सैलरी है उसके साथ यहाँ पे कुछ अलाउंसेस मिलकर यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा आपको यहाँ पे सैलरी देखने को मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको अप्लाई करना है, आपका यहाँ पे जितना अच्छा परसेंटेज होगा, ओके, मतलब आपका जितना अच्छा परसेंटेज होगा उसी में से आपको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें से। ओके, और आपको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट करके यहाँ पे बुलाया जाएगा एसएसबी के लिए। एसएसबी क्या है, यहाँ पे एसएसबी में इंटरव्यू होता है। ओके, मतलब यहाँ पे आपको एग्जाम देना नहीं पड़ेगा, रिटन एग्जामिनेशन देना नहीं पड़ेगा, बस एसएसबी आपको देना है। एसएसबी यहाँ पे 5 दिनों का होता है, ये फर्स्ट डे में अगर आपका मतलब फर्स्ट डे में फर्स्ट स्टेज होगा, ओके, अगर आप फर्स्ट स्टेज में क्वालिफाई करते हो तो आपको वहां पे और 4 दिनों का इंतजाम करना पड़ेगा, 4 दिनों तक आपको वहां पे देना पड़ेगा। अगर आप एसएसबी क्लियर करते हो तो आपको यहाँ पे नौकरी लग जाएगा, यानी कि आपको यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाएगा और उसके बाद आपको यहाँ पे पोस्टिंग दे दिया जाएगा, समझ गए। तो ये था इसका सिलेक्शन प्रोसीजर, और यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इंडियन आर्मी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.joinindianarmy.nic.in, इस ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको विजिट करना है, वहां पे जाकर आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको भरना पड़ेगा। ओके, तो एक बार अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देते हो तो उसके बाद आपको यहाँ पे एडिट करने का ऑप्शन नहीं शो करने वाला है, इसी वजह से एक बार में ही अच्छे से आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। अगर आपको अच्छे से पता नहीं चल रहा है कि कैसे क्या एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करें तो आप क्या करना, यूट्यूब में थोड़ा सा सर्च कर देना कि टीसीसी का फॉर्म फिलअप कैसे करें, तो आपको वीडियोस मिल जाएगा। एक्चुअली इसके ऊपर मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, फॉर्म फिलिंग का वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, मेरे पास थोड़ा सा टाइम कम है। ओके, लेकिन मैं भी बनाता हूँ वीडियोस। ओके, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना अगर आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन अगर इन्फॉर्मेटिव रहा है तो। ओके, और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब से शुरू हो रहा है, वो 11 मई से शुरू हो चुका है। ओके, 11 मई से शुरू हो चुका है, और यहाँ पे 9 जून 2022 शाम के 3 बजे तक चलने वाला है। इसके अंदर आपको यहाँ पे इसका फॉर्म फिलअप करके एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है, सबमिट करना है, समझ गए। सो चले फ्रेंड्स वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ, अगले वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगा और एक नया और लेटेस्ट जॉब अपडेट के साथ। सो चले फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग।